ए पीछा रतन पीछा जूम अरविंद अरे जाइन मैम या मम्मी अरे पीछे ना यार अजी आना पीछे जरीन जी इधर अजी क्यों कैमरा में आना यार जरीन मैम जरीन मैम या मैम लेफ्ट टू राइट जरीन जी राइट में यार एक्सक्यूज मी मैम सेंटर जरीन जी एक्सक्यूज मी जरीन जी यहां पे लेफ्ट में मैडम जी अरे नहीं आ रहा बाबा क्यों नहीं आ रहा पीछे पूरा वो पंप आ रहा है अरविंद जरीन लेफ्ट मैम यहाँ सामने मैम सामने जरीन जी जरीन मैम सामने जरीन जी हाय मैम ये स्क्रीन किस लिए रखी है इसको बताएंगे स्क्रीन के बारे में वेल अक्सर 2 जो मेरी फिल्म है वो आज रिलीज़ हुई है और क्योंकि मुझे देखने का मौका नहीं मिला तो आज मैंने ये स्क्रीनिंग अरेंज की है फॉर माय फ्रेंड्स एंड फैमिली पब्लिक का रिएक्शन देखे हमने आज पब्लिक ने आपके रोल को काफ़ी सराहा गया क्या कहना मैं सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने फिल्म देखने गए फिल्म इतना पसंद किया और मेरे रोल को इतना पसंद किया है सो थैंक यू सो मच प्लीज़ मुझे अपना प्यार और अप्रिसिएशन देते रहें तो मैं इतना अच्छा काम करती रहूँगी आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं पब्लिक रिएक्शन Of course, I mean, public reaction is the most important thing. I know आजकल जो हमारे critics हैं ये हैं वो हैं but I think उससे ज़्यादा important हमारे public reactions हैं क्योंकि जो public है वही हमारी film बनाती या बिगाड़ती है upcoming और क्या क्या आ रहे हैं इसके बाद मैं मेरी जनवरी में 1921 आएगी जो विक्रम भट्ट सर के साथ हॉरर फिल्म की है मैंने तो मैं उसको भी लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ पार्टनर 2 का अभी तो कुछ नहीं फिलहाल हो रहा है जब होगा तो हम बात करेंगे थैंक यू पार्टनर 2 इज इट्स टू अर्ली टू टॉक एनीथिंग अबाउट पार्टनर 2 क्योंकि अभी तो उसके बारे में कुछ भी मतलब डेवलपमेंट नहीं है तो जब उसके बारे में कुछ डेवलपमेंट होगी जब मुझे भी कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊँ थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सो मच ये पीछे क्या बोले क्या करना है क्या कर रहा है बड़ी 2 मिनट रुकना है चलो उधर ही सब अंदर ये पीछे आ अरे हाँ बस ले आ गए ले ले मर मत निशांत रुके रुके वही सर सर एक फैमिली सर ऑन योर राइट सर वेट थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है पहली बॉलीवुड मूवी है तो पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स है हम देखेंगे जो दोस्त लोगों ने बोला अच्छा है तो अभी पब्लिक का ओपिनियन भी देखना पड़ेगा ओह थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है तो अभी फिलहाल अभी साउथ में कन्नड़ा मूवी कर रहा हूँ तो मूवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी एक पूजा भट्ट की मैम के साथ भी मूवी किया था कैबरे करके वो भी अभी रिलीज़ होने वाले तो देखते हैं सब अच्छा हो रहा है बहुत अच्छा लगता है हमें बहुत ही अच्छा है शीज़ ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस तो वो मेरे अच्छे दोस्त भी है और गौतम रोहित और मोहित सारे बहुत अच्छे हैं और उन सबको इतने एक्सपीरियंस है और मेरा दूसरी मूवी था
तो बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के साथ जब एक्टिंग करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं और मोटिवेशन भी मिलता है, या मूवी हो, क्रिकेट हो, या कुछ भी हो। तो मेरे हिसाब से एक तो शुरुआत है, अगर अच्छे अच्छे रोल्स मिलते रहेंगे तो और आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो ज़रूर डिफरेंट रोल्स में आएंगे। और कोई एक्टर है जिसको काम करने की इच्छा हो? हर कोई भी हो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि इनके साथ काम करना है उनके साथ काम करना है। मेरा यही इरादा है कि जो भी अच्छे काम मिले उसको पूरी इज्जत और पूरी यू नो यू शुड डू योर वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग। सबके साथ मिल, या जूनियर हो या सीनियर हो, सबसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और मेरा यही कोशिश है कि जितना हो सके इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखें। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की बात करें तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन दिख रहा है इंडिया की, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं फिलहाल सच में बताऊँ तो विकेट बहुत अच्छा था और मैच भी थोड़ा लेट शुरू हो गया, तो शायद इसलिए वो लोग का बॉलिंग उतना अच्छा लगा। जब जैसे ही पार्टा होगा इंडिया बहुत स्कोर करेगा। अच्छा, तो क्या चांसेस है इंडिया के लिए? काफ़ी विकेट से 7 विकेट चले गए। कोई बात नहीं, अगर हमारे भी बॉलर्स है तो हमारे भी बॉलर्स बहुत तगड़े हैं। 100% यार, जय माता दी, थैंक यू।